गाड़ी की अगर हम इसकी फ्रंट की बात करें तो इसमें यहाँ पे RS बैजिंग, यहाँ पे जो है आपको LED में इसकी लाइट्स मिलती हैं, डे टाइम रनिंग लाइट दिया गया है इसमें, नीचे LED फॉग लैंप्स, लार्ज साइज में इसका एयर इनटेक। साइड पे आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 17 इंच की एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स ब्लैक फिनिश में दी गई है। इसमें जो है आपको ब्लैक कलर में जो है, इसकी बॉडी कलर के साथ नहीं आती, ब्लैक कलर में इसकी जो है आपको इंडिकेशन लाइट मिलती है इसके साइड मिरर्स में, और डोर हैंडल्स भी ब्लैक कलर में है, टू टोन कलर में। रेयर पे क्या अगर हम बात करें तो इसमें आपको एल शेप की इसकी जो है टेल लाइट्स मिलती है LED में। बम्पर में यहाँ पे आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम दी गई है, जो कि टर्बो वेरिएंट में डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम आते हैं। रेयर व्यू कैमरा और यहाँ पे एक स्पॉइलर दिया गया है। टॉप पे जो है आपको शार्क फिन एंटीना। इंटीरियर की तरफ चलते हैं, एम्बियन लाइट, साइड विंडोज के कंट्रोल्स, क्रोम हैंडल। यहाँ पे जो है आपको गेज क्लस्टर को ब्राइटनेस की कंट्रोल दी गई है, ट्रैक्शन कोड और ऑटो जो है ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इंजन स्टॉप। आइए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी खूबसूरत तरीके के साथ वेलकमिंग करती है ये गाड़ी। जिसकी अगर हम ड्राइव मोड्स की बात करें तो इसमें जो है आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जो कि नॉर्मल, स्पोर्ट और इको मोड, CVT ट्रांसमिशन विद पैडल शिफ्टर्स के साथ। यहाँ पे भी आपको इसकी जो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लैंड डिपार्चर और जो है लैंड असिस्ट दिए गए हैं। वॉल्यूम, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दी गई हैं। 3 स्पोकटेड एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील है इसमें। यहाँ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको एंड्रॉयड ऑटो प्ले और जो है इसमें एप्पल कार प्ले देखने को मिलता है। AC वेंट्स इसके बिल्कुल यूनिक स्टाइल में आप देख सकते हैं, एक ही उसमें दी गई है। इसके अलावा गाड़ी में यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, चार्जिंग डॉक है, कंप्लीट एक हाई विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है ये गाड़ी, आप देख सकते हैं।